बिना समझे एक रिलेशनशिप में एंटर कर जाओ तो बिना इसको समझे उसको समझे नहीं लेना यार उसको नहीं समझना है, इसको समझ लेना है। अगर इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, क्योंकि जो अंदर की दुनिया है वो तो जिस तरह से काम करती है वो तो सेम ही है ना, अलग अलग नहीं है, इंफॉर्मेशन अलग अलग है। क्या आपकी ब्रेन और मेरी ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करती है या सेम तरह से काम करती है? सुनना मैंने क्या बोला है ना, ब्रेन जिस तरह से काम कर रही है दैट इज सेम, आपकी मेरी या किसी की भी। थॉट्स अलग अलग है, थॉट्स क्यों अलग अलग है, इंफॉर्मेशन अलग अलग है। जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पे तो सोचते हैं, आपकी ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसी के बेस पे तो सोचोगे, लेकिन जिस तरह से ब्रेन काम कर रही है वो तो सेम है ना। तो अगर आपने समझ लिया कि ये ब्रेन किस तरीके से काम करती है, यानी आपका पैशन शिफ्ट हो गया है। बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं आपको, अगर सुनना चाहते हो तो सुनना चाहते हो, एक्चुअली इनसे बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। ये बिल्कुल इस दुनिया से अलग है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग। ऐसा कौन सा कमाल का पैशन है इस पूरी दुनिया में जो आपको फंसाएगा नहीं, पूरी तरह से आजाद कर देगा? सिर्फ एक पैशन है, ओनली वन पैशन। सारा ध्यान यहां पे ले आएंगे, यानी मोबाइल पे उल्टी सीधी वीडियोस देख रहे हो उसको देखना बंद नहीं किया। ध्यान से समझना दोनों के पैशन में क्या फर्क है। एक है एडिक्शन, दैट मीन्स यू आर पैशनेट अबाउट अ गेम और सम विजुअल्स या कुछ भी उल्टा सीधा दिख रहा है, यू आर पैशनेट अबाउट दैट, तो वो तो आपको फंसा देगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप कुछ नहीं छोड़ रहे, यू आर देयर इन कॉन्टैक्ट विद दैट गेम। उस गेम को खेलते वक्त आप देख रहे हो अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देख रहे हो एडिक्शन एक्चुअल में क्या होता है, नॉट थ्रू अ बुक, नॉट थ्रू गूगल जाकर के सर्च किया एडिक्शन, अच्छा इसकी ये डेफिनेशन मेरे को समझ आ गया एडिक्शन क्या है, टट्टू समझ आया था। इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं। अरे देखो क्या कमाल की बात आई है मेरे दिमाग। एक पैशन है जिसमें आपको वेट करना पड़ता है, यानी अपने पैशन को डिस्कवर करने के लिए इस दुनिया में वेट करना पड़ता है ना। मुझे पता नहीं लग रहा मेरा क्या पैशन है, पता लग भी गया फिर वेट करना पड़ता है। समझ आ गया मेरा पैशन म्यूजिक है, लेकिन मेरी आवाज़ तो महाबेसुरी है। अब गाओ सीखो, अब मैंने सीख तो लिया है लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा है, अब धक्के खाओ। काम करने जिनके पास जा रहा हूँ वो पागल कुत्तों की तरह नचा रहे हैं मेरे को, 10-10 घंटे वेट करा रहे हैं। होता है ये सब चीज़ें, नहीं होती है। चलो मिल तो गया एक ब्रेक, लेकिन उसके बाद में और कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है। चलो कमा भी लिया, एक लेवल पे भी आ गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी खालीपन है, अभी भी डिप्रेशन है। तो एक पैशन है जो इस दुनिया में आपको फंसाता चला जाता है, एक पैशन है जिसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अभी यहीं पर इसी मोमेंट में इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। वो पैशन क्या है, इसको कॉन्कर करना है। क्या इसके लिए वेट करने की जरूरत है? ये कहां कर सकते हो? क्या इसके लिए घर छोड़ के जाना पड़ेगा, यूएस जाना पड़ेगा, यूके जाना? कहां कर सकते हो? कहीं भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? कभी भी, कभी भी और कहीं भी। आप किसी भी बड़े से बड़े पेन में, बड़े से बड़े प्लेजर में बड़े कंफर्टेबली जा सकते हो बिना किसी डर के। उस पेन और प्लेजर वाली स्टेट में रह सकते हो कुछ सेकंड्स तक, कुछ मिनट्स तक, कुछ घंटों तक, और वहां से बड़े आराम से बाहर आ सकते हो विदाउट एनी बैगेज। और लोग जब जाते हैं किसी भी पेनफुल स्टेट में, ज्यादा हो रहा है या आ रहा है कुछ? ज्यादा हो रहा है, आ रहा है, सिंपल रख रहा हूं मैं, पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको सिंपल रखने की। और लोग जब जाते हैं किसी भी पेनफुल स्टेट में या प्लेजरेबल स्टेट में, तो क्या होता है उनके पास में, जैसे उस स्टेट से बाहर आते हैं तो यहां पर बैगेज होता है। क्या बैगेज होता है? जब पेनफुल स्टेट में जाते हैं तो डर होता है, डर का बैगेज होता है, दोबारा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। अब प्लेजरेबल स्टेट में जाते हैं तो फिर एक बैगेज होता है, दोबारा चाहिए। तो मोमेंट यू आर अवेयर ऑफ कि एग्जैक्टली पेन और प्लेजर क्या होता है, तो पेन का डर निकल गया और प्लेजर्स की क्रेविंग निकल गई, क्योंकि दोनों ही टेम्पररी है। इसमें नीचे गिरने का कोई तरीका नहीं है। आपने 10 दिन काम किया तो आप यहां थे, आप यहां आ गए हो। हाँ, यहां नहीं पहुंचे हो 10 दिन में, यहां तो आ गए। 1 महीना किया तो यहां, 1 साल किया तो यहां आ गए। अब यहां नहीं जा सकते वापस से। जिसने जितना काम कर लिया कर लिया, उसका उतना ही कंट्रोल आ चुका है अपनी इस ब्रेन पे। और जो अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो ही बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जिसके यहां पर बैलेंस है उसको बाहर बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, बैलेंस होता है।